गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शबरी को कहा कि तुम ये ध्यान रखना कि तुम तपस्या कर रही हो, तुम तपस्विनी हो, तुम्हारी तपस्या का फल एक दिन तुम्हें ज़रूर प्राप्त होगा। गुरुजी अगर डांट रहे हैं तो आज तो और भी अच्छा हो गया, आज तो गुरुजी महादेव के रूप में आए हैं और हमारे अंदर की अज्ञानता को नष्ट कर रहे हैं। हमने माता शबरी का एग्जाम्पल तो सुना ही हुआ है। कहते हैं कि उनका जो असली नाम था पहले श्रमणा था, शबर जाति से संबंधित थी इसलिए वो शबरी कही गई। अब उनके पिता भील समुदाय के सरदार थे। अब वे चाहते थे कि उनका विवाह हो जाए, परंतु बहुत सारे पशुओं की बलि दी जानी थी, 1000 पशुओं की बलि दी जानी थी। तो उनके हृदय में करुणा आई, शबरी के हृदय में करुणा आई और वह वो सारी चीज़ें वहीं पर छोड़कर दंडकारण्य में आ गई। अब वन में जब वो आती हैं, वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर, तो वहाँ पर उनको दर्शन होते हैं मातंग ऋषि के। अब ऋषि के दर्शनों से ही उनके अंदर एक भावना आई कि क्यों ना मैं अपनी पूरी ज़िंदगी साधना में ही लगा दूँ, तपस्या में ही लगा दूँ। वे ऋषि की छुपकर सेवा करने लग गई। जब वे सुबह उठकर स्नान के लिए जाते, जब साधना के लिए जाते, तो पूरे पथ पर जितने कंकड़ पत्थर पड़े हुए होते थे वो सारे कंकड़ पत्थरों को उठाकर साइड पर रख देती थी और पूरे रास्ते पर बालू बिछा देती, थोड़े पुष्प सजा देती। अब कुछ दिन तो ऋषि को पता नहीं चला, लेकिन बाद में वह ऑब्जर्व करने लगी कि कौन मेरी राह को इतना सुंदर बना रहा है, कौन है जो मेरे राह के कांटों को उठा रहा है, कंकड़ पत्थरों को बीन रहा है, पुष्पों से सुसज्जित कर रहा है, ये कौन है, ये जीव कौन है, ये मनुष्य जो इतनी तपस्या करता है और अपना नाम भी सामने नहीं ला रहा, सामने भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने देखा उस युवती को कि जो सुबह उठकर सेवा कर रही थी, क्योंकि ऋषि जो है तपस्या के लिए जा रहे हैं तो ऋषि की तपस्या में विघ्न ना आए तो चुपचाप सेवा करती है। तो ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कहा कि यदि तुम साधना करना चाहती हो तो तुम मेरे साथ आश्रम में रहो और साधना करो। अब शबरी ने अपना पूरा जीवन जैसा ऋषि ने कहा उसी के अनुरूप ही जीवन को लगा दिया। अब जब वह ऋषि बूढ़े हो गए और उनके जाने का समय आ रहा था, तब उन्होंने शबरी को कहा कि तुम ये ध्यान रखना कि तुम तपस्या कर रही हो, तुम तपस्विनी हो, तुम्हारी तपस्या का फल एक दिन तुम्हें ज़रूर प्राप्त होगा। भगवान स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएंगे, जो तुमने इतनी तपस्या की है अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी तुमने लगा दी, तो परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आएंगे और तब तुम्हारी मुक्ति होगी। अब गुरु ने एक वचन कहा, एक वाक्य बोला, एक सेंटेंस बोला कि तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें स्वयं भगवान आकर देंगे, भगवान तुम्हारे द्वार पर आएंगे। अब उस बात को शबरी ने मन में बांध लिया, गांठ बांध दी कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरे गुरु के वचन जो है हमेशा सत्य होते हैं। गुरु वचन जो है वो ब्रह्म वाक्य हैं, वो कभी असत्य हो ही नहीं सकते। अब कितने लोग हैं जो कितनी सारी बातें सुनते हैं, प्रवचनों में सुनते हैं, गुरु के सम्मुख आकर बहुत सारा ज्ञान लेते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उस पर इतना विश्वास रख लेते हैं, इतनी श्रद्धा रखते हैं कि कहा है तो होगा ज़रूर। कई बार तो देखा जाता है कि गुरुजी अगर डांट लगा दे तो शिष्य जो है सोचते हैं मेरी क्यों डांट लग गई, मैं तो इतनी सेवा कर रहा था। बल्कि होना क्या चाहिए, छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में हम सोचते हैं हमें कह दिया गया, बल्कि होना ये चाहिए कि हम यह सोचें कि गुरु अगर प्रसन्न हैं तो गुरु कृपा बरसा रहे हैं, और गुरुजी अगर डांट रहे हैं तो आज तो और भी अच्छा हो गया, आज तो गुरुजी महादेव के रूप में आए हैं और हमारे अंदर की अज्ञानता को नष्ट कर रहे हैं।